अच्छा, वीज़ा डिटेल का मैंने आपको कहा था कि मैं अलग से अपलोड करूँगा तमाम भाइयों के लिए वीज़ा डिटेल्स, कि ईरान का वीज़ा किस तरह से लिया जाता है, ईरान के वीज़ा की कितनी इकसाम होती हैं और यहाँ पे आपको किस तरह से मिलता है, और ईरानी रेजिडेंसी जो है वो अवेलेबल है या नहीं, यहाँ पे असाइलम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को मैं बिल्कुल ही सेपरेट अपलोड कर रहा हूँ व्लॉग्स से हट के, ठीक है। तो ईरान की जो है मैंने जितनी रिसर्च की थी ईरान का वीज़ा हासिल करने के लिए, ईरान का वीज़ा जब मेरे पास नहीं था और जब मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं ईरान जाऊं, उससे पहले ईरान के ये जो मेरे पॉइंट्स थे वो ये थे कि मैंने कहीं से सुना था कि ईरान में जो है वो सिर्फ शिया कम्युनिटीज़ का जाना ही अलाव है, जो सुन्नी है वो अलाव नहीं है। दूसरा मैंने ये सुना था कि वहाँ पर गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तानी जा सकते हैं, कानूनी तरीके से नहीं जा सकते। तीसरा मैंने ये सुना था कि बॉर्डर क्रॉसिंग जो पाकिस्तानी करते हैं उनको मार दिया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, पता नहीं क्या किया जाता है। और ये भी मैंने बात सुनी थी कि ईरान की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ पे तो करेंसी की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जो है वो उनको कुछ उनको आपकी ज़ुबान नहीं आएगी, वो आपको किडनैप कर लेंगे, ये होगा वो होगा ये सब का, ठीक है। फिर वीज़ा का मैंने पूछा था तो उसमें ये भी लोग कहते थे कि वहाँ का वीज़ा नहीं मिल सकता, 4 लाख का है, 5 लाख का है, और वो सिर्फ उनके लिए होता है जो ज़्यारत के लिए जाते हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने खुद ही उस पर रिसर्च स्टार्ट की, जब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं ईरान जाऊँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त था साथ वो ईरान गया था तो उसने स्टेटस लगाए थे, तो मैं हैरान हो गया कि ईरान इतना खूबसूरत है और हमें पता ही नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ डिटेल्स बताई, उससे मैंने रिसर्च की। तो पहले मैंने देखा जो सबसे ईरान की जो वीज़ा एग्जाम होती हैं वो चार पांच होते हैं तकरीबन। एक होता है पिलग्रिमेज वीज़ा जो कि कहलाता है ज़ियारत वीज़ा, दूसरा होता है आपका टूरिस्ट वीज़ा जो कहलाता है आपका ज़ियारत वीज़ा, आपको सिर्फ 15 दिन का मिलता है। टूरिस्ट वीज़ा आपका होता है जिसमें आप पूरा ईरान घूम सकते हो, वो होता है आपका 30 दिन का। इसके अलावा होता है स्टूडेंट वीज़ा जो स्टडी पे आपको मिलता है, जहाँ ये लोग आए हुए हैं जिस तरह से, उसमें स्टार्टिंग में 3 महीने के इनको मिलता है यहाँ पे, फिर उसके बाद इनके स्टडी के हवाले से वो रीन्यू होता रहता है। और जो एक और वीज़ा होता है बिज़नेस वीज़ा, वो यहाँ पे आप अपनी बिज़नेस शो करते हो, सब कुछ वगैरह ये सब शो करते हो कि आप यहाँ पे है कोई काम, तो उसके हिसाब से आपका आगे होता एक्सटेंड होता रहता है और आपको मिलता है। और दूसरा होता है परमानेंट वीज़ा, परमानेंट वीज़ा ये अभी नहीं देते, पहले यहाँ पे होता था बहुत आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती थी ईरान की, लेकिन अब सकती है अब आप यहाँ पे शादी भी करो तो भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आपने ईरानी लड़की से शादी कर ली या ईरानी लड़की ने ईरानी लड़के से शादी कर ली तो आपको रेजिडेंसी मिलती है 1 साल की रेजिडेंसी, और उसको हर साल आप रीन्यू करवाते रहते हो, इस तरह से यहाँ पर होता। तो यहाँ पर रेजिडेंसी के लिए अभी नहीं है, और यहाँ पे फॉरेन वाले जो है वो ये सोचते कि हम प्रॉपर्टी खरीद के रेजिडेंसी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तब भी आपको वही रेजिडेंसी मिलती है और उसको आप रीन्यू करवाते हैं, तो ये यहाँ का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं। सपोज़ अगर हमने एक कार खरीदनी है तो हम वो ईरानी के नाम पर पहले लेंगे, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं फिर वो हमें दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए उसी ईरानी के नाम पर ही रहेगी। सपोज़ हमने लैंड लेनी है, कुछ भी लेना है, हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, कोई हमारा ईरानी दोस्त है हम मतलब वो हमारे अपने नाम पे लेगा हमारे पैसों से और फिर वो हमें देगा। इसमें एक नुकसान भी है कि वो भाग ना जाए, सही भरोसे वाला बंदा हो तो। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की, क्योंकि फिर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे स्टूडेंट है और मैं टूरिस्ट हूँ। तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर मुझे ईरान में आना था, तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पिलग्रिमेज वीज़ा ज़ियारत वीज़ा जो है वो हम लें तो वो हमें 3300 का पड़ जाता है, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं मैं आपको बोलता हूँ। तो मैंने ज़ियारत वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल की। अच्छा, यहाँ पे सारा सेल्फ अपीयरेंस होता है ईरान के वीज़ा के लिए, और हर सूबे के अंदर एक इनका कंसलेंट होता है, इनकी एम्बेसी से आपको रब्ता नहीं रखना होता, कंसलेंट से रखना होता है। कराची के अंदर जो इनका कंसलेंट है वो बाकी सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन कराची में जो इनका है वो जमजमा पे है, DHM में जमजमा पे है, 2 तलवार के आगे है। आप 2 तलवार पे पहुँचे, किसी से पूछे कहाँ पे है तो वो आपको बता देते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ऑनलाइन फिल किया इसका फॉर्म, तो मेरे पास ईमेल नहीं आया, ठीक है। ऑनलाइन मैंने फिल किया, तो ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, ईरानी एम्बेसी पे आप जाके फिल करते हैं। तो मैंने मेरे पास रिटर्न में ईमेल नहीं आया, मैं हैरान हो गया क्यों नहीं आई। तो मैंने जो है वो एक था बंदा टूरिज्म वाला जो मतलब होते हैं ना क्या ट्रैवल एजेंसी वाले, उसका नंबर भी मैं डाल दूँगा, वो बहुत अच्छा है और बहुत डिस्काउंट पर मुझे कर दिया उसने। तो मैंने उससे वाबता किया, तो मुझे पता चला कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए टूरिस्ट या पिलग्रिमेज। आपको एयरलाइन की जाने के और आने की टिकट चाहिए होती है, आपको जो है वो मतलब बुकिंग चाहिए होती है टिकट की, लेकिन वो बुकिंग के आप पैसे नहीं देते हो। और दूसरा आपको चाहिए होता है होटल बुकिंग, वो होटल बुकिंग के भी आप पैसे नहीं देते, सारा मतलब वो बंदा आपको करके दे देगा। और तीसरा आपको चाहिए होता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और आपको चाहिए होता है अपना पासपोर्ट इंश्योरेंस आप खुद करवाते हो, 2000 रुपये का होता है, और वो वहीं 2 तलवार से होता है आगे। एड्रेस किसी को चाहिए तो मैं नीचे लिख दूँगा, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं।
और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, इसके साथ अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, अपने पासपोर्ट की कॉपी, 4 बैकग्राउंड वाइट वाली पिक्चर्स आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब किसी एजेंसी वाले के पास जाओगे, ट्रैवल एजेंसी वाले के पास, कि आपको ईरान का वीज़ा अप्लाई करना है, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, तो बेहतर है आप ऐसे वैसे के पास नहीं जाएं, आप पहले तो खुद से करें। आपके पास खुद से अगर नहीं होता तो आप नीचे दिया नंबर दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छे में आपको करके दे देगा, तो उसे आप बोलेंगे तो वो आपको देगा 3 चीज़ें आपको निकाल के देगा, और वो आपसे कोई 3,000 या 3,500 या 4,000 लेगा तीन चीज़ों, तीन डॉक्यूमेंट्स के। वो क्या होगा, एयरलाइन की जाने की आने की टिकट, ठीक है, वो खुद ही करके देगा, और कन्फर्म नहीं होगी वो सिर्फ टिकट होगी, ठीक है। टिकट के आपको पैसे नहीं देने होते, कि 70-80 हज़ार रुपये टिकट के हैं, तो वो, और वैसे एयरलाइन टिकट जो ईरान की है, जाने की 1 लाख और आने की 1 लाख है, क्योंकि ईरान टू कराची या ईरान टू पाकिस्तान कोई भी ऐसा है नहीं सिस्टम कि डायरेक्ट जा सके, यहाँ से पहले कतर एयरवेज जाते हैं, कतर एयरवेज कतर से होकर फिर ईरान, फिर इसी तरह से ईरान से कतर, कतर से पाकिस्तान, ये होता है। तो यहाँ की ईरान की एयर टिकट जो है वो बहुत महंगी है, ठीक है। आपने ट्रैवल एजेंसी के ने आपको, आपने उनको पैसे दिए, उसने आपको 3 डॉक्यूमेंट दिए, अपनी डिटेल आप उसको दोगे, ठीक है, आपने जो है वो आपको देगा एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, टिकट, और आपको होटल बुकिंग देगा, ठीक है, तीन चीज़ें देगा। ये 3 चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको अपने पासपोर्ट की इंश्योरेंस करानी है। पासपोर्ट इंश्योरेंस आप पहले करा लें या बाद में करा लें, सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले करा लें तो अच्छा है। पासपोर्ट इंश्योरेंस जो एड्रेस दिया है वहाँ से आप करवा लीजिएगा, ईरानी सिर्फ वही करके देते हैं। और आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका हो गया, आपके आईडी कार्ड की कॉपी हो गई, आपकी 4 पिक्चर्स हो गई, ये चीज़ें लेके आप अपनी ईरानी एम्बेसी चले जाएँ, आप उनको कहें कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो जो है आपका आपकी चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसमें फिर वो आपने शेड्यूल मांगते हैं। शेड्यूल से मुराद कि आप उस पर सारा शेड्यूल लिख के देते हो, कंप्यूटर से टैप किया हुआ कि आप ईरान क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो नहीं, आप ईरान कहाँ पे स्टे करोगे, आप कब निकलोगे, कब आओगे, कब किस सिटी में जाओगे, उस सिटी से दूसरी सिटी में कब जाओगे, ये सारा आप उस पर लिख के देते हो। और याद रहे जिस जिस सिटीज़ के नाम आप उस जो है वो लेटर में मेंशन करते हो, उन तमाम सिटीज़ के जो है वो बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, उन सिटीज़ की होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। पहले मैंने पिलग्रिमेज अप्लाई किया था, सेल्फ अब खुद से किया था मैंने पिलग्रिमेज, मतलब ज़्यादा वीज़ा अप्लाई किया, मैं सीधा चला गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोला आपके साथ तो कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा वीज़ा के लिए 10-12 या 5-6 बंदे चाहिए होते हैं, मतलब वो ग्रुप में आपको भेजते हैं, अकेले नहीं भेजते, तो उनको पता चल गया ये ज़्यादा के लिए नहीं जा रहा ये, बल्कि क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि ज़्यादा वीज़ा पे लोग पूरा टूर करके आते हैं, लेकिन मैं ब्लॉगर हूँ और सबको पता है कि मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ हर जगह जगह पे, तो अगर मुझे कहीं पे कोई पुलिस रोकती भी है, वो मेरा ज़्यारत वीज़ा देखे, तो वो मुझसे पूछ सकती है कि आप जो है वो ज़्यारत पे आए थे, आप दूसरी सिटीज़ पे क्या कर रहे हैं, मतलब आपको तो कौम मशत या इन सिटीज़ पे होना चाहिए, क्योंकि ज़्यारत वहीं पर होती है, तो इसी वजह से मैंने अपना टूरिस्ट वीज़ा करवाया, ताकि मुझे कोई बोल ना सके कि आप जो है वो ज़्यारत के लिए आए थे, आप यहाँ पे क्यों, वहाँ पे क्यों, ठीक है। और इन दोनों वीज़ाज़ के डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने सारे सबमिट करवा दिए, ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें अगर रिक्वायर्ड होती हैं तो वो एम्बेसी वाला आपको बता देगा, ये चीज़ें आप जमा करवा दें, आपने वो जमा करवा दिया। दूसरी बात, ये पासपोर्ट आपका अगर न्यू हुआ है या रीन्यू हुआ है, अपने दोनों पासपोर्ट आपको ले जाने हैं, पुराना पासपोर्ट भी, नया पासपोर्ट भी, और अगर आपके पास सिर्फ न्यू पासपोर्ट है तो आप वो सिर्फ न्यू पासपोर्ट ही ले जाएंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ें आपने जमा करवा दी, उसके एक हफ्ते बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू आपका होता है इंग्लिश में, अगर आपको फारसी आती है तो फारसी में, अगर आपको बलोची आती है तो बलोची। मेरा इंटरव्यू तो बलोची में हुआ था, क्योंकि वो जो बंदा था वो खुद भी फारसी बलोची था, तो मैंने जो है बलोची में बात करी, वो बहुत ही जल्दी हो गया, वो बहुत ही खुश भी हुआ, बातें भी की यहाँ वहाँ की, तो इतना मतलब हार्ड इंटरव्यू नहीं होता, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछता है और आप बताते हो कि आप ईरान क्यों जा रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपने वो दे दिया, एक हफ्ते बाद आपको कॉल आ गई, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। ईरान की एम्बेसी खुलती है 9 से लेकर 12 बजे तक, और वीज़ा लेने के लिए जब आप जाते हो तो वो आप जाते हो 3 बजे से शाम 5 बजे तक, ठीक है। 2 दिन बाद वीज़ा मिल गया, मतलब ईरान, मतलब वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया, उसके अप्लाई करने के, एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स देने के 9 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया। अर्जेंट में नहीं करवाया था ये, मैंने नॉर्मल था, अर्जेंट में आप करवाते हैं तो आपको 1 दिन के अंदर मिल जाते हैं, मतलब आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई किया, उस पर आपने लिख दिया अर्जेंट, और आपको, आपने सुबह फाइल अपनी जमा करवाई, उसी वक्त आपका इंटरव्यू हुआ और रात को आपको वीज़ा मिल गया, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, आप उसकी फ़ीस 50% प्लस होगी, मतलब आपकी अगर वीज़ा फ़ीस है 10,000, 50% प्लस पे वो आपकी फ़ीस होगी 15,000, अर्जेंट में ये होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, पिलग्रिमेज वीज़ा के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं कि आपने जो है वो पिलग्रिमेज वीज़ा ले लें, आप चले जाएँ ईरान, बहुत आसान होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता पिलग्रिमेज वीज़ा में। तो मेरे नज़दीक पिलग्रिमेज वीज़ा जो है वो बेवकूफ़ी है किसी के लिए लेना, वो क्यों है, वो इसलिए है, पिलग्रिमेज वीज़ा आप लेते हो पैसे बचाने के लिए, क्योंकि कहाँ 3,300 का पहले था, लेकिन अभी तो पिलग्रिमेज वीज़ा भी 5,800 का हो गया है, और टूरिस्ट वीज़ा पहले 10,000 का था, अब 14,000 का हो गया।
तो पिलग्रिमेज वीज़ा आप पैसे कम पैसों में ले तो लेते हो, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। पहले पहले तो आपको जो है एम्बेसी वाले वो आपको बोलेंगे नहीं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास ग्रुप नहीं है। फिर वो आपको बोलेंगे आप हमारी ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करें, उससे आप अपना जो है वो केस बनवाएं पूरा, उसके बाद आप अपने दें। तो इसमें भी आप कितने पैसे चले जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि हर कोई बाय रोड ही जाता है, बाय एयर तो बहुत महंगा है, लाख लाख लगते हैं, तो जब आप बॉर्डर क्रॉसिंग करने लगते हो तो उसमें पिलग्रिमेज की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब जिनके पास पिलग्रिमेज वीज़ा है तो वो समझें उनकी वो जो वहाँ के लोग होते हैं जो सर्विस दे रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और ईरानी भी, आर्मी वाले या गवर्नमेंट के लोग, तो उनके नज़दीक पिलग्रिमेज वालों की इतनी ख़ास वैल्यू नहीं होती जिन बनिस्बत टूरिस्ट वीज़ा की और दूसरों की। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो जितने भी पिलग्रिमेज वाले थे उनको अलग खड़ा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा तादाद में थे, और उनमें से कुछ को वापस भेज दिया था, इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, कुछ कह रहे थे कि आप हमें नहीं लगता कि आप वाकई ज़्यारत के लिए जा रहे हो, और कुछ को बोला कि आपका ग्रुप नहीं है, आप जो है वो ग्रुप बना के लाएँ, इस तरह से सिस्टम हुआ था। तो मुझे जब कहा तो मैंने कहा मैं तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए इंडिविजुअल जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा अंदर भेज दिया और दो मिनट के अंदर मेरा सारा जो है स्टैंप लग गया और मैं जो है वो फिर उसके बाद चेकिंग वैकिंग हो गई थी, तो उसमें भी मैंने वो अपना क्लियर कर लिया सारा। और वहाँ पे जितने भी थे, अगर कोई बलोच जा रहा है तो उसके लिए आसानी है, अगर किसी को फारसी आती है या बलोची आती है तो उसके लिए बॉर्डर पर बहुत आसानी है, बलोचिस्तान बॉर्डर पर, ताफ्तान या रमदान बॉर्डर, जहाँ से मैं तो रमदान बॉर्डर से गया था। रमज़ान बॉर्डर से कैसे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया सारा कि मुमताज़ जाती है बस कराची यूसुफ गोट से सीधा जो है वो ईरान के अंदर आपको उतार, ईरान के बॉर्डर पे आपको उतारती है रमदान बॉर्डर पे, और वो आपसे लेती है कोई 3500 मुझसे लिए थे वैसे, लोगों से 3000-4500 लेती है, वो भी मैंने बलोची में बात की थी तो डिस्काउंट कर लिया था। और बॉर्डर पे भी तकरीबन जो है वो फारसी और बलोची जानते हैं सारे, गवर्नमेंट के लोग भी, इनके ईरानी भी और बलोचिस्तानी भी, तो वहाँ भी आपको बलोची आती तो बहुत आसानी होती है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है, ये हो गया आप हमारा टूरिस्ट वीज़ा और आपका पिलग्रिमेज वीज़ा। दूसरी बात ये, जैसे आप ईरान में इंटर होते हो तो आप जो है अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ ही रखिएगा, जहाँ पे भी अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से केमन से तहरान जाना है, तहरान से कहीं और जाना है, या फिर चाबहार से कहीं जाना है, तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, चाहे आपका वीज़ा आपके साथ हो, कोशिश करें वीज़ा भी साथ ही रखें, तो पासपोर्ट और वीज़ा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी बार अगर आप सिटीज़ टू ट्रैवल करें तो वहाँ पे गजर पुलिस जो यहाँ की है वो चेक करती रहती है कि आपके वीज़ा आपके पास है या नहीं है, आपका जो पासपोर्ट है वो आपके पास है या नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास हर वक्त होने चाहिए। और दूसरा वीज़ा मैं बात करूँगा ट्रांजिट वीज़ा की, एक और मैं भूल गया बताना, ट्रांजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जिसमें आप जो है वो पिलग्रिमेज में जो टूरिस्ट वीज़ा में आप सिर्फ मतलब टूर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा एक होता है वो 9000 या 10000 का होता है नॉर्मल पे। ट्रांजिट वीज़ा में यह है कि यहाँ पे आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर ट्रांजिट वीज़ा है उस पर आपने लिख दिया टू एंट्रीज़, तो उसमें यह है कि आपकी एक एंट्री हो गई आपको पाकिस्तान से। ट्रांजिट वीज़ा में ये होता है कि एक जो है वो किसी और मुल्क जाने से 7 दिन पहले आप ईरान में स्टे कर सकते हो और किसी और मुल्क आने के 7 दिन बाद भी आप यहाँ स्टे कर सकते हो, टोटल 14 दिन का आपका स्टे होता है, इससे ज़्यादा ऊपर दिन आपको अलाउ नहीं होते। तो ट्रांजिट वीज़ा अगर आपके पास है तो आपने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान आए, 7 दिन आप यहाँ पे गए, इसके बाद एक एंट्री हो गई आपकी पाकिस्तान से ईरान की, ठीक है, टू एंट्रीज़ का आपने लेना है, वन सिंगल एंट्री आप लोगे तो फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरी एंट्री आपने करनी है, यहाँ से आप अजरबैजान जाओ, यहाँ से आप तुर्की जाओ, या यहाँ से आप दूसरे इराक जाओ, ठीक है, आपने वो कर लिया, अब दूसरी एंट्री उस मुल्क की हो गई, आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, आप उस मुल्क से घूम के आ गए, जब आप मुल्क से घूम के वापस आए आपने अपने जो है ट्रांजिट वीज़ा दिखाया, क्योंकि आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है, दोबारा भी आप इंटर हो सकते हो, ठीक है, आप दोबारा इंटर हुए ईरान में, उसके बाद आप यहाँ सिर्फ 7 दिन स्पेंड कर सकते हो, 7 दिन स्पेंड करने के बाद आपको दोबारा से अपनी कंट्री में जाना है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे 7 दिन के बाद यहाँ पे और मज़ीद टूर करना है, यहाँ पर दोबारा से मुझे यहाँ घूमना है, तो आप जो है वो अपनी सिटी के अंदर ढूंढते हो पिलग्रिमेज इमिग्रेशन ऑफिस ऑफ ईरान, ठीक है, आप अगर केमन में हो तो केमन का इमिग्रेशन ऑफिस होगा, तहरान में हो तो तहरान का होगा, हर मुल्क में होगा, आप गूगल से लोकेशन देखें उसकी और वहाँ ऑफिस में आप जाए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो आपके पास हैं, उस पर 2 पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होती हैं, 2 आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी चाहिए होती हैं और कुछ चाहिए होता है वो आपको बता देंगे, वहाँ पे आप कुछ फ़ीस देते हो आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं हो आप घर जाना चाहते हो तो ये भी आपके ऊपर है, आप घर जा सकते हो, ठीक है। ये हो गई ट्रांजिट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा डिटेल। अब स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम इनसे बात करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा का क्या प्रोसेस था, कैसे? स्टूडेंट वीज़ा के लिए थोड़ा सा इससे डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा के लिए हम लोग खुद अप्लाई नहीं करते, अगर हम इंटरनेशनली देखें आप फॉर एग्जाम्पल ईरान में आए या किसी भी कंट्री में जाएँ,
तो स्टूडेंट वीज़ा एक अलग बेस पे होता है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, उसके बाद जैसे पाकिस्तान में होता है हम लोग तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से, पर यहाँ पे एक एजेंटशिप का सिस्टम होता है, आप एजेंट के थ्रू ही सारा काम कराते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं किसी भी इंटरनेशनल मुल्क में एजेंट के थ्रू ही कराते हैं। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, आपको एक एडमिशन लेटर दे देते हैं वो, और फिर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें मांगते हैं, आप फीस बताते हैं, आप लोग की डिग्री का ड्यूरेशन सब कुछ, एक एक्सप्लेनेशन लेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद अब आप फ़ी पे कर देते हो, कंफर्मेशन दे देते हो कि यस आई एम इन, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो आपसे वीज़ा के लिए अपने मतलब पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स और इस तरह के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगते हैं, और 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको वीज़ा फी provide. वीज़ा फ़ीस होती है इसमें? वीज़ा फ़ीस ईरानी नहीं लेते, ठीक है। मैं लाहौर गया था, मुझे एड्रेस याद नहीं है कहाँ से कराया था, लेकिन लाहौर में ये है कि वहाँ पे दो टाइप का था, मैंने कराया था 2020 में, आपकी फ़ीस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे जो नॉर्मल वीज़ा था वो कह रहे थे 3 दिन में आपको मिल जाएगा, वो था आई थिंक 3300 में। और अगर हमने अर्जेंट लेना है तो हम फॉर एग्जाम्पल दिन को सुबह 10 बजे गए थे, तो उन्होंने बोला कल सुबह आप आके उठा लें, और हमने उसमें 5500 फीस पे की थी। अभी का नो आइडिया, मे बी कुछ ज़्यादा हो, कभी ज़्यादा हो गया, फीस इंक्रीज हुई अभी रिसेंटली। तो ये था वीज़ा प्रोसेस। इसके अलावा मैरिज वीज़ा का मैंने आपको बता दिया, बिज़नेस वीज़ा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मैंने नहीं बताया। और वैसे इनकी वेबसाइट पर सारी डिटेल लिखी हुई होती है, वेबसाइट नीचे मैं डाल दूँगा, तो उसमें तमाम वीज़ाज़ की डिटेल इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, ईरान के हवाले से मैं दो चीज़ें तीन चीज़ें आपको अभी ऐड करूँगा। एक ये कि ईरान आप आ गए हो तो आप पहले यहाँ पे अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, चाहे बाहर से या कहीं से भी एक्सचेंज करवा दीजिएगा, और साथ साथ अपनी सिम ले लीजिएगा, ठीक है। और सिम वाले से आप जो है वो पैकेज भी करवा लीजिएगा, इंटरनेट पैकेज अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे किसी को भी उर्दू या इंग्लिश नहीं आती है, यहाँ पे सबको सिर्फ फारसी आती है। अगर आप चाहबाग के साइड पे हो तो वहाँ पे चलो बलोची भी चल जाती है, लेकिन आप जैसे आगे आगे सिटीज़ पे जाते हो तो वहाँ सिर्फ फारसी आती है और कुछ भी नहीं आती, इंग्लिश ये बिल्कुल नहीं समझते। तो आप जो है वो गूगल ट्रांसलेट से लिख कर इनको बता सकते हो कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, तो उस इस चीज़ के लिए आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बात ऐड करूँगा, यहाँ पे व्हाट्सअप का बड़ा मसला हुआ था, मुझे 4 दिन तक मेरा व्हाट्सअप बंद था, ठीक है। व्हाट्सअप का बड़ा इशू था, इनसे आप पूछ रहे हैं कौन सी जो है VPN डाउनलोड करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे रिसेंटली में भी लास्ट सितंबर आपने उन इंसिडेंट सुने हुए हिजाब की वजह से लेडी की डेथ हुई थी, जो कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने की है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब नेचुरल डेथ थी, इस बारे में कुछ वो नहीं है। तो पहले तो ये था कि यहाँ पे इंस्टा चल जाता था, व्हाट्सएप भी चल जाता था, लेकिन जैसे इन्होंने एहतजाज किए तो उसके बाद से सब कुछ बैन कर दिया, इवन व्हाट्सएप तक बैन कर दिया। अब व्हाट्सएप बैन करना अलग बात है, ठीक है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ऐप्स बैन होती हैं, VPNs भी चल जाती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी लाई है कि एक VPN जो है वो 2 से 3 दिन ही चल सकता है, उसके बाद जैसे उस VPN के यूज़र्स बढ़ते हैं तो आप लोगों को मतलब वो VPN बैन हो जाता है, वो VPN चलना भी बंद हो जाता है। तो इस वजह से, इस लिहाज से काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लोगों को, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर इलाज हल यही है कि जैसे आप बॉर्डर पर आते हैं आप उनसे पूछ लें कि हम लोग इंटरनेशनल्स हैं और हम लोगों को नहीं आइडिया कौन सा VPN चल रहा है। पाकिस्तान में तो आप जो VPN डाउनलोड करें वो चल जाता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, जो भी वर्ल्ड के फेमस VPN है, सपोज अगर एक्सल VPN में जाते हैं, हॉटस्पॉट जी इंडिया, एक दो और फ्री VPN है जिनके नाम जान में नहीं है, सुपर VPN आई डोंट नो कौन सा है, ये इनमें से कोई भी नहीं चलता, तो इन पे आप डिपेंड मत हो। और उसके बाद सबसे मेजर चीज़ जो है आपको उस चीज़ की करंसी के हवाले से बताता चलो, करंसी जो है यहाँ पे लोग पाकिस्तानी करंसी ये लोग नहीं लेते। तो आपके लिए सपोज़ अगर आप आ रहे हैं मस्जिद जाना है आपने, या ज्यारत के लिए जाना है, उसके लिए जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आपके लिए बेहतर होगा कि आप बस तुमान रख दें ना 15 से 20 हज़ार PKR कैश में लाएं, ठीक है। बॉर्डर पे एंड पाकिस्तान एंटर होने से पहले भी कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, उधर ही आपसे पैसे लेकर मुनासिब रेट का दे देते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे रेट अप एंड डाउन होगा। आप बॉर्डर पे एंटर होने से पहले 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी करा लें, और जो किराया है, किराया यहाँ पे बहुत कम है, पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे किराया कम है, तो आपको उस चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। जहाँ पे भी आपने जाना है आप बस अपने पास डॉलर्स रखें। आप ऐसे करें फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी 50-60 हज़ार रुपये अभी ला रहे हैं तो $200 बनते हैं। आप डॉलर लेके आप जिस भी सिटी में जाएंगे आपको हर जगह पे आपके डॉलर एक्सचेंज हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको ईरानी करेंसी मिल जाएगी वो भी अच्छे रेट्स में। लेकिन अगर आपको
सपोज आप पाकिस्तानी पैसे लेके जाते हैं वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन मुश्किल से हो जाएगी, एक बहुत मुश्किल से कोई ले ना ले। फॉर एग्जांपल आप किसी वो सिर्फ एक तो मस्जिद में एक्सचेंज होती है ठीक है, जहाँ आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सपोज अगर आप दूसरे किसी उसमें जाते हैं, दूसरे शहर में आपको जाने का दिल करता है या ट्रैवल कर रहे हो, अस्फहान वगैरह अस्तूरा यहाँ नहीं होता, वहाँ पे आपसे पाकिस्तानी करेंसी वो नहीं लेंगे। अगर लेंगे भी सही तो बहुत कम रेट पे, कि आप ऐसे गए कि आपको पैसे बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, जो कि आपका नुकसान है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप लोग डॉलर लेके आए, और डॉलर ये नहीं है कि आपके साथ बॉर्डर पे एक्सचेंज करा लें, उनको साथ लेके आए। आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे इजीली इधर एक्सचेंज सेंटर बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इजीली उसको एक्सचेंज करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। और ईरान के वीज़ा के हवाले से मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ईरान का वीज़ा जो है पहले जो है वो ईरान का वीज़ा स्टिकर वीज़ा था। पहले जितने भी ईरान के लोग विज़िट कर चुके हैं तो उनको पता होगा, उनके उस पर भी ऐड है कि उनका जो है वो स्टिकर वीज़ा था। वो स्टिकर वीज़ा किस तरह से था, वो उनके पासपोर्ट पे स्टिकर होता था, तो वहाँ पे आप जहाँ भी जाते थे आप सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाते हो और आपका हो जाता है। लेकिन अब जो है वो पेपर वीज़ा इस तरह का ई वीज़ा कहलाता है। ईरान का ई वीज़ा कैसा दिखता है, वो इस तरह से होता है और इस तरह का एक पेपर होता है, नज़र आ रहा होगा शायद आपको। तो इसमें जो है वो ई वीज़ा आपका होता है और ये आपको पेपर की सूरत में मिलता है। तो यह पेपर आपको अपने साथ साथ रखना होता है अपने पासपोर्ट के साथ, चाहिए। हाँ, ये तो वैसे सॉफ्ट में भी आपको ईमेल आ जाता है जब आप अपना करवाते हो, तो सॉफ्ट में आपके पास ये हो जाता है, सॉफ्ट में भी आपको ईमेल आता है। तो आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो और इसका एक प्रिंट जो है वो आपको एम्बेसी वाले भी देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, हाँ, स्टिकर वीज़ा अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि स्टिकर वीज़ा जो है ईरान का मिलता है, तो हाँ बिल्कुल मिलता है। अगर कोई ईरान का अपना रिहायशी सिजिल जिसके पास होता है, यहाँ का अपना कोई रिहायशी आपको इनविटेशन लेटर भेजे, तो जब आपको वो इनविटेशन लेटर आता है वीज़ा के लिए, तो जब आपको उस वक्त अपना पासपोर्ट एम्बेसी में आप सबमिट करवाते हो तो आपको स्टिकर वीज़ा मिलता है। इसी तरह से अज़रबैजान का भी यही सिस्टम है कि वहाँ पे भी आप जब आपको इनविटेशन आता है तो आपको स्टिकर वीज़ा मिलता है, आप खुद अप्लाई करते हो तो आपको पेपर वीज़ा मिलता है। ये है दोनों के डिफरेंस। तो ये था हमारा सारा आज का वीज़ा एक्सप्लेनेशन, आई होप यू एंजॉयड दिस। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना ब्लॉग। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बहुत ही डिटेल वीडियो थी, तो आप ज़रूर देखें इसको पूरा, देख तो लिया होगा आपने वैसे। तो आप चलते हैं आगे ब्लॉगिंग की तरफ।